पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना लागू कर प्रदेश की बहनों से जो आत्मीय रिश्ता बनाया है उसकी अमिट छाप वो आगे भी लेकर चलना चाहते हैं और इसी उद्देश्य को लेकर उन्होंने अपने आवास का नामकरण किया है। अब शिवराज सिंह का जो निवास है वो मामा के घर के नाम से जाना जाएगा। जी हाँ, मामा का घर। अपने नए घर को लेकर उनका ये कहना है कि जो आत्मा के रिश्ते होते हैं वो कभी बदलते नहीं हैं और इसीलिए प्रदेश की बहनों, भांजे भांजियों से मेरा जो पारिवारिक रिश्ता है वो आगे भी कायम रहेगा। मैं यथाशक्ति मामा के घर से जनसेवा का यज्ञ लगातार करता रहूंगा। तो मामा का घर ये स्थाई अब पहचान। पूरा प्रदेश मेरा परिवार है और परिवार के रिश्ते पदों से नहीं होते, वो दिल के रिश्ते होते हैं, आत्मा के रिश्ते होते हैं और दिल और आत्मा के रिश्ते पदों के साथ बदलते नहीं हैं। और इसलिए भाई और बहन, भांजे भांजियों से मेरा प्यार का और विश्वास का रिश्ता है। इस रिश्ते की डोर कभी टूटेगी नहीं और अपने भाई बहन और भांजे भांजियों की यथाशक्ति सेवा मैं लगातार करता रहूंगा। तो मैं जहां रहूंगा वो प्यार का घर होगा, मामा का घर, इसलिए मामा का घर है और यहां से जन सेवा का यज्ञ लगातार चलता रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते पार्टी द्वारा दिए गए कार्य को पूरे समर्पण और निष्ठा के साथ करूंगा और जनता की सेवा निरंतर चलती रहेगी। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान B8 74 बंगले में शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन यहाँ पर शिफ्ट होने के कुछ ही दिनों बाद आप देखेंगे घर के पते की जो तस्वीर है उसमें कुछ बदलाव ज़रूर नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अब इस बंगले का नाम मामा का घर रख दिया है और खुद पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अब उनका ये बंगला मामा का घर के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान वो प्रदेश भर के भांजे भांजियों के मामा हैं, बहनों के जो भाई कहलाते हैं और इसी वजह से खुद पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये कहा है कि भले ही आज वो किसी पद पर नहीं है लेकिन वो हमेशा ही लाडियों के भाई रहेंगे और प्रदेश भर के जितने भी भांजे भांजी हैं उनके मामा रहेंगे और वो हमेशा ही सामाजिक तौर पर इन सभी लोगों की सेवा के लिए तत्पर रहेंगे। उन्होंने कहा कि जब भी मैं इस बंगले पर हूँ और सभी लोग यहाँ पर आए, अपनी समस्याओं को बताएं, उनसे संवाद करें और हर एक एक समस्या का समाधान किया जाएगा, क्योंकि तमाम मध्य प्रदेश के जो लोग हैं उनके दिल में बसते हैं और उनके तमाम दुख दर्द को दूर करने की वो चिंता करते हैं और इसी वजह से उन्होंने अब इस घर को प्रदेशवासियों के लिए के नाम से रखा है मामा का घर और उनकी तमाम समस्याओं को सुलझाने के लिए वो हमेशा इसी तरह से तत्पर नजर आएंगे। कैमरामैन नागेंद्र के साथ रंजना दुबे, बंसली न्यूज़, भोपाल।